प्रॉब्लम है तो हमारा मैंने इंटरचेंज करवाने की कोशिश करी है, नहीं हो पाऊँगा। मतलब एक ही माइक है जो सही है, दोनों जगह सपोर्ट कर रहा है। तो ऑनलाइन वाला और एक दूसरा, वो दोनों ही एक ही जगह सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐप में भी नहीं जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि छोटा वाला रूम है ना, उसका माइक लगा के मैंने एम्पलीफायर में लगाया, एम्पलीफायर में ना जी 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 करके आवाज आ रही है, मतलब आपने आवाज आ रही है। हेलो 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 देखो तार को तो बातें क्या हो रहा, देखो ये देखना, देख रहे हो कुल मिला के वायर कामयाब नहीं हो पा रही है, ये देख रहे हो मैं कुछ क्या कर रहा हूँ इसमें, देखो वायर को अर्थ करते ही क्या हो रहा है इसके अंदर। वायर खिंच गई अंदर से, ये तो आवाज कर रही वाली चीज में आवाज नहीं आ रही है एप्लीकेशन में भाई, ये वाला बहुत नाजुक वायर है इनकी, और जो पहले था ना आपका पहले वाला माइक उसकी फिर भी वायर थोड़ी सी मजबूत है, जो अब ये आ रहे हैं ना जो माइक अब आप आ रहे हैं जितने भी मैंने लगाया था आपने पिन कर दिया था। हां दोबारा कर दूंगी, मैंने कर दिए जब इस पे करोगे तो वो तभी तो आएगी ना, फिर वो ऑन होगी, वो थोड़ी देर के लिए शटडाउन में चली जाती होगी, वो कर दे बंद करके ऑन ऑफ हो जाती है ना, क्लास में कोई दिक्कत ना करे ना। माइक बताओ भैया आप कौन सा लेके आए हैं, माइक जो मैं बता रहा हूँ सिंपल माइक वो देख लो एक बार इसके अंदर लगा के, वही बता रही ना, बताओ ना कौन सा आपसे मिलता है तो आप अपना बताओ। सिंपल माइक जो मैं बता रहा हूँ ये जिसमें डब्बी नहीं होगी, वो कोई भी माइक आप ले लो, लेकिन उसकी जो वायर होगी ना वायर थोड़ी सी इस हिसाब से लेना कि थोड़ी सही टाइप की वायर होए, वायर हल्की होगी तो ये दिक्कत आ सकती है आपको, नहीं हम तो मंगवा के देते हैं ऑर्डर पे, जहाँ तो फिर हम बना के देते हैं। हाँ हाँ बन जाते हैं, और क्या होता है उनमें माइक होता है, माइक होता है अलग से, उसकी वायर अलग से लगाते हैं उसमें बढ़िया वाली, फिर उसके अंदर पिन लग जाती है कि छुट्टी। माँ मैं दे के आया था वेला वालों को, ये कलर वलर नहीं करते जो वालों में, वेला कंपनी नहीं है वहाँ पे, उनका वो है अपना करोल बाग में, माँ एम्पलीफायर मैं ठीक करके आया था थोड़े दिन पहले जाकर, वो आपको मैंने देखो सारी तसल्ली करा दी कि आपके माइक ही ख़राब है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एम्प आपका बिल्कुल ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखो हम जब हम इसको अगर हटा देते हैं और अपने वाले माइक को इसको लगा देते हैं नॉर्मल वाले को, ये जो हमारा माइक है ये तो काम कर रहा है, ये देखो कितनी बढ़िया साउंड आ रही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये देखो हेलो अभी आवाज़ तेज है ना अभी, तो इसलिए ऐसे कर रहा है, हेलो मजेस्टिक हेलो साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं हमारी, ये वायर जो होती है ना वायर की वजह से दिक्कत आ जाती है, वायर में ही प्रॉब्लम होती है, वायर खिंच इनकी वायर तो खैर मोटी है क्या खिंचेगी, इनकी वायर तो इतनी पतली है, हैं हाँ वायर क्वालिटी की भी होती है, लेकिन अब वो वायर जो ये वाला माइक है ना ये पहले वाला, इसकी वायर देखो कैसी है पीवीसी, इसकी देखो कितनी बढ़िया है, इसकी जो पीवीसी है ये अलग है, हाँ लेकिन इसकी इसकी पीवीसी देखो ना आप, इसको पूरे को हाथ में पकड़े देखो वायर को, इसको क्या हाल है इसका देखो, फर्क तो है इनके अंदर, ये नहीं कहा जा सकता कि फर्क नहीं है, हो सकता है नई वाली क्वालिटी इतनी अच्छी ना दे रहे होंगे, अरे वो लोकल दे रहे हैं और कुछ नहीं है ये, कोई नहीं अमित ऑनलाइन वाला तो उसमें डाल और ये डीसी वाला देखते हैं, बाकी जो है नया माइक का वो ले ले भैया से, क्या दे रहे हैं वो नंबर वंबर भैया ये तो बताओ, फिर आप ऑर्डर पे मंगवाओगे और हमें चेक करवा के आप ही लगवा दोगे, बता दो पहले हम हिसाब से फाइनल करेंगे आपको, या फिर आप इसको मॉडल नंबर वगैरह कौन सा ब्रांड है क्या है, मैं एक बार लड़के से पूछ लेता हूँ, आप बता देना चाहे बेशक मैं आपको कॉल कर लूँगी, आप मुझे बता दो व्हाट्सअप कर दो कि ये वाला माइक है इस ब्रांड का ले लो, पूछताछ करके अपनी हम कल में अपनी क्लास के लिए कल शाम को भेज देंगे ना, फिर इसको सैटरडे हमारी क्लासेस भी कम है,
मिल गई हमें। साउंड कम करने पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना इनमें, साउंड कम करने पे भी। हेलो, क्या हाल है? अरे यार मैं ये कह रहा हूँ, एम्पलीफायर है एक छोटा हुजा का, उसके अंदर नॉर्मल माइक अगर हम चलाते हैं, जो अपने नॉर्मल माइक होते हैं वो चलाते हैं तो सही आवाज़ आ रही है, लेकिन बोया के कुछ माइक हैं उसके अंदर मैंने लगा के देखे, एक माइक सिर्फ काम कर रहा है बढ़िया, बाकी दो माइक बोया के हैं और उनके अंदर तो सीटी सी मार रहा है, चू और वायर को छेड़ती है ना उनकी, तो बिल्कुल एकदम से उसमें हमिंग सी आती है माइक में, स्पीकरों में। कंप्यूटर में दोनों सही काम कर रहे हैं? नहीं सामने करने की बात नहीं यार, हाथ लगा रहे हैं हम तार को तो ही सैंस ऊँ आती है बहुत तेज़ी से, ये बोया, हाँ ये बोया वाले माइक, लेकिन नए माइक हैं यार, इन्होंने ऑनलाइन मंगवाए हैं अभी, ये तो बता रहे हैं ख़राब हो भी सकता है, मैं इनको ये तो कह रहा हूँ, मैं कहा ख़राब होते हैं नए माइक भी। एक उसके साथ का माइक असल में क्या है, जो पहले माइक आता था बोया का वो अच्छी क्वालिटी में आता था, उनकी वायर अच्छी थी, हार्ड वायर थी उनकी, जो अब आ रहे हैं ना इनकी वो जो वायर है ना, ये मोबाइल के पर्पज़ के लिए बने हैं बस खाली, ये एम्पलीफायर में चला रहे हैं, इसका गेन बढ़ जाता है तो वो रेंज बाहर हो जाती है वायर से, वहाँ फिर ये सीटी मारना शुरू कर देते हैं। इसमें ऐसा भी तो है मतलब कुछ नहीं हो सकता ना कि हम इसको अर्थ कर दें कहीं से, अर्थ तो ऑलरेडी पहले ही होता है ये, है ना, माइक हटा के नहीं आती, बड़े वाला माइक जो होते हैं अपने 600 ओम वगैरह के वो तो ठीक है, उस पे तो आवाज़ साफ़ आ रही है, वो तो मैंने इनको यहीं से बता दिया जब मैंने को इन्होंने बुलाया ही था, तो अब जहाँ तो इनको मैंने बोला कि एक काम करो तुम बोया वगैरह के चक्करों में मत पड़ो, जैसे वो नॉर्मल माइक बनाया था ना वैसा माइक मोटी वायर लगा के बना दो, है ना, वो ठीक रहेगा इनके लिए, बना बनाया अभी वैसे ही वायर में नहीं मिलेगा मुझे लगता है, शायद मोटी वायर में मिल भी सकता, हो सकता है, क्योंकि इनको कॉलर माइक ही चाहिए, इंस्टीट्यूट है ना ये, कॉलर पे लगा के काम करते हैं ये लोग, स्कूल टाइप जैसे हो गया, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी होती हैं इसीलिए। तो तुम क्या राय करते हो ये हैं, तुम क्या राय, क्या हुआ कहाँ कमरेट पे हो, कितने का? मैं भी लाऊंगा यार, लाने तो पड़ेगा ये, अब पहले था वो पता नहीं कहाँ रख दिया, अब मिल ही नहीं रहा, पहले तो सस्ते थे, पहले तो 200-250 का आता था, नहीं अब वो तो हल्के होंगे, मैं तो बहुत बढ़िया लेके आया था किसी टाइम में, आज से 6-7 साल पहले लेके आया था, उस टाइम 300 का था, जो आज 600 का होगा मुझे लगता है। चलो मैं देखता हूँ इनको फिर बताता हूँ, माइक तो फिर दूसरे लगाने पड़ेंगे, ये माइक तो इनके चलेंगे नहीं, है ना, देखा वो भी यही बता रहे यार, पता क्या हमारे तो देखो जानकार तो क्या है, मैं भी जानता हूँ ये एम्पलीफायर पे ना ये नॉर्मली कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग करनी होगी, फ़ोन की कंप्यूटर वो ही मैं बता रहा हूँ, और ये है पूरा बेस, इस पर तुम्हें बड़ी चीज़ चलती है, जैसे ये यार हो गया ये माइक, ये पागल थोड़ी है कंपनी इतनी मोटी वायर देती है इसलिए देती, कई बार इसको देखा तुम स्पीकर वाला चूँ चूँ करते हैं ना ये, लेकिन ये बढ़िया वायर होती है तो ये चूँ चूँ भी नहीं करते फिर उस टाइम पे, गेन उनका कम हो जाता है, ये तो पतले पतले माइक है, तुम एम्पलीफायर के थ्रू चला रहे हो इनको, इसके लिए तुम्हें अलग से चीज़ बनाना पड़ेगा एक सिस्टम, एम्पलीफायर के माइक अलग ही आते हैं ये, इसके लिए तुम्हें मैं बताऊँ क्या, इसके लिए तुम्हें एक छोटा एम्पलीफायर लेना पड़ेगा, या फिर यहाँ देखो इसमें लिखा भी है सिर्फ किस किस में सपोर्ट करता है, फ़ोन में, हाँ लैपटॉप में, हाँ कैमरे में, हाँ इनमें ही करेगा ये, लेकिन पहले आप यूज़ कर रहे हो, आप बता रहे हो हम यूज़ कर रहे हैं, अब भाई चीज़ है कभी चल गई तो चल गई यार, उसकी वायर में फ़र्क नहीं कितना ही भी तो देखो ना तुम, अब ये नहीं आ रही वो चीज़, पहले तुम पैसा खर्च करके चीज़, पहले ही स्टार्टिंग में 2,000 रुपये का माइक था ये, अब कहाँ 800 रुपये में मिल जाता शायद मेरे हिसाब से, फ़र्क है इन चीज़ों में, ये भी तो देखो तुम, कुछ नहीं बस एम्पलीफायर वाले माइक अलग ही होते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए बस एक एम्पलीफायर वाला माइक चाहिए जो एम्पलीफायर में सपोर्ट करे, सोनू मैम, सोनू मैम, मैम
मैम ये जब मैं ले रही, ये जो माइक है ना।